इधर छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी को दान के महापर्व के रूप में मनाया गया। शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पारंपरिक अंदाज में छेरछेरा मांगते नजर आए। इस बीच छेरछेरा के मौके पर जमकर सियासत भी हुई। देखिए खास रिपोर्ट। छेरछेरा पुन्नी के मौके पर दान की संस्कृति को आगे बढ़ाने सीएम भूपेश बघेल खुद भी सड़कों पर दान मांगने निकले। सीएम पूर्णधारी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, जहां उन्हें धान से तौला गया। सीएम ने खुद तो दूधाधारी मठ में 2.25 लाख रुपए दान किया, साथ ही आसपास के घरों में दान मांगने भी गए। सीएम को दान लेने घर में पहुंचा देख स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम ने भी पूरी विनम्रता से दान स्वीकार किया। इसी तरह पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी कोंडा गांव में लोगों के घरों में पहुंचकर पारंपरिक अंदाज में दान मांगते नजर आए। सीएम ने कहा कि छेरछेरा का पर्व दान का महापर्व है। जो दान देने की परंपरा है वो व्यक्ति को उदार बनाता है, और दान लेने की परंपरा है लोगों के अंदर जो अहंकार है वो खत्म होता है, और इसलिए सामाजिक रूप से या लोक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। छेरछेरा पर भाजपा नेताओं ने सीएम से छेरछेरा के दान के रूप में शराबबंदी से लेकर पीएम आवास और गरीबों को चावल देने समेत कई मांगे भी की। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के बयानों पर पलटवार किया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छेरछेरा पुन्नी जैसे दान की महान परंपरा वाले त्योहार में भी राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में महादान का पर्व है छेरछेरा, और इस दान के पर्व में एक प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की एक बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, मैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं, उनसे निवेदन करती हूं कि प्रदेश की बहनों के साथ किए हुए वादे जल्द से जल्द यह सरकार पूरा करे। प्रदेश के मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मेरा आज के दिन निवेदन है, मैं दान मांगता हूं कि आप आज के दिन घोषणा करें कि प्रधानमंत्री आवास के 16 लाख लोगों की सूची में से जो 11,67,000 आवास केंद्र ने देना निर्धारित किया है उसको आप स्वीकार करें। आज गरीब जनता को आप ये दान दें, ये उपहार दें। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के राज्यांश का पैसा केंद्र के पास जमा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री आवास का कोटा केंद्र के द्वारा जबरिया निरस्त कर दिया गया है, उसको बहाल किया जाए। राज्य सरकार ने अपना राज्यांश जमा कर दिया है, तो फिर किस कारण से सिर्फ विलम्ब होने के कारण जो रद्द किया गया है उसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा के नेता इसमें सिर्फ राजनीति करते हैं। छेरछेरा पुन्नी यूं तो दान का पर्व है, प्रदेश की लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में सीएम इस पर्व को पारंपरिक अंदाज में मनाकर जहां प्रदेश के तीज त्योहारों को पुनर्जीवित करने में जुटे नजर आते हैं, वहीं त्योहार के नाम पर हो रही सियासत ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और उससे जुड़े मुद्दों का प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।